नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। विधायक सुलभा खोड़के के अमरावती में 100 बेड के नए शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय अस्पताल स्थापित करने के सतत प्रयत्नों को सफलता मिलती दिखाई दे रही है। आगामी 27 जून से शुरू रहे विधानमंडल के पावस सत्र में इसे मंजूरी मिलने के आसार है। बजट पूर्व बैठक में वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने विधायक सुलभा खोड़के की मांग पर सकारात्मक रुख अपनाया है, जिससे कहा जा रहा है कि अमरावती में शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। उल्लेखनीय है कि विगत 6 फरवरी को विधायक सुलभा खोड़के ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार को निवेदन देकर सबसे पहले इसकी मांग की थी। प्रदेश के सभी संभागों में सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज स्थापित हुए हैं। अमरावती संभाग ऐसे कॉलेज से वंचित था। पश्चिम विदर्भ के 5 जिलों के मुख्यालय अमरावती में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता थी। देहाती और दुर्गम भागों के लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर अधिक विश्वास है। ऐसे में 100 बेड का आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल बनने से अमरावती में स्वास्थ्य सेवा मजबूत होती है। यह बात ध्यान में रखकर विधायक सुलभा खोड़के ने यह विषय उठाया था। मनपा क्षेत्र तथा उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में लेआउट निर्माण किए जा रहे हैं, जिसके कारण जमीन की खरीदारी के मामले में दस्तावेज प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को भी शहर के रजिस्ट्रार कार्यालय में आना पड़ रहा है। इस कार्यालय में नागरिकों की संख्या बढ़ने लगी है, जिससे यह कार्यालय भीड़भाड़ से भरा रहता है। अब इन परेशानियों से नागरिकों को राहत मिलेगी, क्योंकि जिलाधिकारी कार्यालय परिसर या द्वयम निबंधक श्रेणी 2 के अलावा अमरावती शहर क्रमांक 1, 2, 3 यह सभी कार्यालय अब समकक्ष रूप से जनता के कामकाज पूरे करेंगे। विधायक सुलभा खोड़के ने शासन स्तर पर इस बाबत मांग की थी, जो अब पूरी हुई है। प्रहार जनशक्ति पक्ष के सर्वेसर्वा विधायक ओम प्रकाश बच्चू कडू ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे के साथ अच्छी महायुति सरकार चल रही थी, अजित पवार को साथ लेने की भाजपा को क्या आवश्यकता पड़ी। कडू ने एक टीवी चैनल से साक्षात्कार में भाजपा पर और भी निशाना साधते हुए महायुति के लोकसभा के उम्मीदवारों के चयन में दखल देने का भी आरोप लगाया। प्रहार जनशक्ति पक्ष के सर्वे सर्वा ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने विधायक रवि राणा के सोमवार के पत्रकार परिषद में लगाए गए आरोपों का जोरदार जवाब दिया। कडू ने यह मीडिया से कहा कि लोकसभा चुनाव की पराजय से रवि राणा विचलित हो गए हैं, उन्हें उपचार की जरूरत है। बिना समय गवाए राणा ने किसी मानसोपचार तज्ञ को दिखाना चाहिए, दवाई लेनी चाहिए। इतना ही नहीं तो कडू ने कह दिया कि नवनीत राणा की हार का षड्यंत्र युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा ही रचा गया, क्योंकि रवि राणा की पार्टी में इज्जत कम हो गई थी। नवनीत राणा की सांसद बनने के बाद सर्वत्र छा गई थी। विधायक कडू ने कहा कि नवनीत राणा पिछली बार निर्दलीय सांसद चुनी गई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया था, किंतु चुने जाने के तुरंत बाद वे भूल गई। कडू ने कहा कि राणा उन पर इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि नवनीत राणा ने रवि राणा को खूब सुनाया होगा, उसकी भड़ास राणा मुझ पर निकाल रहे हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले के कीचड़ में भरे पैर कार्यकर्ताओं ने धोए, यह घटना अकोला जिले के वायगांव की है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद राजनीति गर्मा गई है और चर्चा का विषय बनी है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल बोंडे ने पटोले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि पटोले जहां जाएंगे वहां कीचड़ में लोटांगन अधिक महत्व का है। नाना पटोले ने खुद के पैर कार्यकर्ताओं से धुलवाए, इसमें कोई नयापन नहीं, उनकी यही मानसिकता है। कांग्रेस की कुछ आने के बाद उनमें मस्ती आ गई है। एक कार्यकर्ता से पैर धुलवाना, मैं बड़ा हूँ और सम्राट हूँ, मैंने पूरा विश्व जीत लिया, ऐसी मानसिकता के चलते नाना पटोले ने हमेशा की तरह ईगो रखा रहने का हल्ला बोल अनिल बोंडे ने करते हुए नाना पटोले की कृति का कड़े शब्दों में निषेध किया और कहा कि ऐसे लोगों की मस्ती उतारे बगैर कोई उपाय नहीं। आम जनता को कचरे के जैसा समझते हैं, खुद कीचड़ से भरे पैर धुलवा लेते हैं और बेशर्म जैसे हंसते भी है। कांग्रेसियों की यह जो मस्ती है, थोड़ी सी सफलता मिली कि सामान्य लोगों पर अन्याय करना और गुलामी शुरू करते है। इस कारण ऐसे कृत्य का सभी को निषेध करने का आह्वान भी अनिल बोंडे ने किया। भाजपा नाना पटोले को कीचड़ लगाकर निषेध दर्ज करेगी, ऐसी चेतावनी भी इस वक्त उन्होंने दी। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने स्वतः के पाय कार्यकर्त्याकडून धुवून घेतले, नवल नहीं, त्यांची मानसिकताच ती आहे। आता अर्ध्या पिवळे अर्ध्या हळकुंडांना पिवळे झालेले आहे, थोड्याशा जागा आल्या तर डोक्यामध्ये मस्ती गेली आणि एका साध्या कार्यकर्त्याकडून स्वतः के पाय धुवून घेणं म्हणजे मी खूप मोठा आहे, सम्राट आहे आणि मी सगळं जग जिंकलं
अशा मानसिकतेमधून नाना पटोलेने नेहमीप्रमाणे उद्दामपणा दाखवलाय. एक सामान्य कार्यकर्ता म्हणून मी अशा गोष्टीचा तर निषेध करतोच, आणि या लोकांची खरोखर मस्ती जिरवल्याशिवाय उपाय नाही. कारण सामान्य माणसाला कचऱ्यासारखं समजतात, स्वतःचे चिखलानं भरलेले पाय धुवून घेतात आणि वरून हसतोय बेश्रमासारखा. आणि त्याच्यामुळं या नाना पटोलेला जिथे जिथे जाईल त्याला चिखलात लोळवणं जास्त महत्वाचं आहे, आणि म्हणून त्यासाठी म्हणजे कुठं कुठं धुवून घेईल हे त्याला माहीत पडेल. आणि म्हणून या काँग्रेसवाल्यांची ही जी मस्ती आहे की थोडंसं जरी यश मिळालं तर त्यांच्या डोक्यामध्ये सम्राटपणा जातो, सरंजामी जाते, आणि त्यामधून सामान्य माणसावर अन्याय करणं सुरू करतात, गुलामी सुरू करतात. आणि त्यामुळे या गोष्टीचा सर्वांनी निषेध करावा. आम्ही भारतीय जनता पक्षातर्फे आम्ही सर्वजण नाना पटोलेला चिखल लावून निषेध करणार आहे. युवा स्वाभिमान के सर्वे सर्वा और बडनेरा के 3 बार के विधायक रवि राणा सचेत हो गए हैं. सोमवार को होटल ग्रेस इन में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद मीडिया से रूबरू होते समय आक्रामक हमलावर रहने वाले राणा डिफेंसिव नजर आए, तो इसके पीछे केवल शीघ्र होने वाले विधानसभा चुनाव यही एकमात्र कारण नहीं है, तो बल्कि अब वे अमरावती जिले की राजनीति में लंबी पारी खेलने के भी इच्छुक दिखाई दे रहे हैं. उनका सोमवार की पत्र परिषद में कांग्रेस नेताओं यशोमती ठाकुर, डॉक्टर सुनील देशमुख, बबलू देशमुख को लेकर सावधान हो जाना, उनकी अपनी पार्टी के लिए काम करने की बड़ाई करना राणा की सोच समझी रणनीति का हिस्सा परिलक्षित हो रही है. जानकारों ने कहा कि राणा ने कल मीडिया के बार बार पूछे जाने पर जो लिख कर लाया था अमूमन उन्हीं मुद्दों के आसपास अपना स्टैंड रखा, जिहवा पर कंट्रोल रखा. सिर्फ 1.5 माह पहले शरद पवार और उद्धव ठाकरे के प्रति खुलकर आरोप करने वाले राणा सोमवार को इन दोनों दिग्गज नेताओं का नाम लेने से बचते रहे. उन्होंने सिर्फ बच्चू कडू और संजय खोड़के पर तोहमतें लगाई. इसके पीछे सियासत के जानकार राणा का गणित बता रहे हैं. वेब सीरीज महाराज को सनातन धर्म पर हमला और वैष्णव को कलंकित करने का बेहुदा प्रयास बताते हुए इस पर तुरंत बैन लगाए और दुनिया में कहीं भी इसे प्रदर्शित न होने देने की मांग करते हुए वैष्णवों ने आज अमरावती में पहली बार सड़क पर उतरकर जिलाधीश और पुलिस के मुखिया को सरकार के नाम निवेदन दिया. श्री गोवर्धन नाथ जी हवेली सत्संग मंडल ने 2 पेज का विस्तृत निवेदन सरकार को दिया, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि सनातन धर्म का अनादर बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा. जो हमारा विरोध चल रहा है सनातन धर्म के ऊपर जो आघात हुआ हुआ है, इसके विरोध में हम लोग आज पिछले 4 दिनों से पूरे भारतवर्ष में सभी संगठनाएं वैष्णव धर्म की इसके पीछे पहुंचे और सरकार को जागरूक करके इसको विरोध करके पीछे करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं. और वल्लभ कुल के मार्गदर्शन में ये सब विरोध हो रहे हैं. हमारे आचार्य ने जो हमें संदेश दिए उनके मार्गदर्शन से कार्यक्रम हो रहा है, और जब तक के ये क्रम पूरा होता नहीं, नेटफ्लिक्स के द्वारा जो फिल्म पिक्चर पीछे नहीं जाती, जब तक इसका विरोध पूरी तरह से जागरूकता से किया जाएगा. प्रहार शिक्षक संघ अमरावती विभाग अंतर्गत 5 जिलों की जिला परिषदों में कार्यरत शिक्षकों की विविध समस्या को लेकर संघ के प्रदेशाध्यक्ष महेश ठाकरे के नेतृत्व में विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने बुधवार 19 जून को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है. बडनेरा शहर के जूनी बस्ती चमन नगर में सार्वजनिक शौचालय स्थल पर प्रस्तावित समाज मंदिर का निर्माण रद्द कर वहां उद्यान का निर्माण करने की मांग को लेकर मोतीनगर व चमन नगर परिसर के सैकड़ों नागरिकों ने आज जिलाधिकारी सौरभ कटियार से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा. महापारेषण की अंतिम चरण में रही विविध पदों की अचानक रद्द की गई भर्ती प्रक्रिया पूर्ववत शुरू करने और विधानसभा चुनाव के पूर्व इस पद भर्ती की परीक्षा लेने की मांग को लेकर आज सैकड़ों बेरोजगार विद्यार्थियों ने राज्य के उप मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम जिलाधिकारी सौरभ कटियार को ज्ञापन सौंपा. वेगवेगळ्या पोस्टच्या जागा होत्या महापारेषणमध्ये. सिनियर टेक्निशियन, सिनियर टेक्निशियन 1, सिनियर टेक्निशियन 2 अशा 7 ते 8 पोस्टसाठी जागा भरणार होत्या. पण ही अचानक भरती कॅन्सल केल्यानंतर सर्व विद्यार्थी आता याच्यामध्ये पडलेले आहे, विचारामध्ये पडलेले आहे, डिप्रेशनमध्ये जात आहे. आमच्या एका विद्यार्थ्याने आत्महत्यासुद्धा केलेली आहे. नांदेडचा एक विद्यार्थी आहे, तुम्हाला दाखवतो आहे याच्यामध्ये. नदीच्या पात्रामध्ये बुडून त्याने आत्महत्या केलेली आहे. की एकतर भरती काढल्या जात नाही आहे, एक त्यांनी चिठ्ठीमध्ये लिहिलेलं आहे असं, की एक तर भरती काढल्या जात नाही आहे आणि त्याच्यानंतर मग भरती काढल्या जात आहे तर पेपर होत नाही आहे आणि पेपर डिले होत आहे आणि मग अचानक भरती कॅन्सल होत आहे. ह्या सगळ्या कारणामुळे त्या विद्यार्थ्यांना डिप्रेशनमध्ये जाऊन आत्महत्या केली आहे. असे जर लाखो विद्यार्थी महाराष्ट्रामध्ये आहे, प्रत्येकानं जर डिप्रेशनमध्ये गेलं तर काय होईल,
त्याच्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांची एक सरकारवर आणि एक महाराष्ट्र आपल्या महापारेषणवर नाराजी आहे आणि सर्व विद्यार्थ्यांचं एकच म्हणणं आहे की जी चालू भरती होती तिला चालू करून आणि जे एक्झाम्स आहे महापारेषण आणि महावितरण ह्या एक्झाम येत्या लोकसभा निवडणुकी आधी घेण्यात याव्या। धारणी तहसील में मोजा बिरोटी में विशेष ग्राम सभा बुलाकर सबके समक्ष दी गई वन जमीन के प्रमाण पत्र के मुताबिक तत्काल यह वन जमीन नियमाकुल करने की मांग बिगर 7-12 शेतकरी संगठन ने आज जिलाधिकारी सौरभ कटियार को सौंपे ज्ञापन में की है। अन्यथा बीएमई आदि भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी भी उन्होंने इस वक्त दी है। म्हणून महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 कलम 17 प्रमाणे आम्ही वेळोवेळी त्याचा पाठपुरावा करत आहे। आज सन 2024 खरीप हंगाम लागलेला आहे। ज्या लोकांच्या ताब्यात जमिनी आहेत वन विभाग त्याच्यात फार मोठ्या प्रमाणात अडथळे निर्माण करत आहे। म्हणून ज्या ज्या लोकांच्या ताब्यात वन जमिनी आहेत अशा लोकांच्या जमिनी त्या सुरक्षित सन 2024 खरीप हंगामामध्ये त्यांना पेरणीसाठी मिळाल्या पाहिजेत। त्यांना पेरणीसाठी वन विभागाकडून कुठल्या प्रकारचा अडथळा झाला नाही पाहिजेत। अमरावती लोकसभा चुनाव के दौरान यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहने से यहां से रिपब्लिकन सेना के संस्थापक आनंदराज आंबेडकर भी उम्मीदवार के रूप में खड़े थे। उन्हें कई संगठनों और पार्टियों ने समर्थन दिया था। इस चुनाव के दौरान महाविकास आघाड़ी की कांग्रेस नेता एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने आनंदराज के बारे में कुप्रचार करने से आंबेडकरी आंदोलन से जुड़े लोगों का मन दुखा है। इसलिए एडवोकेट यशोमती ठाकुर पर अनुसूचित जाति जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कानून के अनुसार तथा चुनाव आचार संहिता तोड़ने की कार्रवाई करने की मांग आज स्थानीय वालकट कंपाउंड स्थित जिला मराठी पत्रकार भवन में आयोजित पत्रवार्ता के दौरान रिपब्लिकन सेना व उनके घटक पक्षों ने की है। 25 तारखेला आनंदराज आंबेडकर यांची माघार हा जे क्लिप वृत्तवाहिनीने चालवल्यामुळं आम्हाला प्रचंड लोकसभेमध्ये आमचं नुकसान झालं आणि त्या नुकसानाच्या पोटी आम्हाला मतदान कमी जरी पडले असेल पण तरी सगळ्यात जास्त जर आम्हाला दुःख झाले असेल तर ते बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नातवांची बदनामी करणं हे अत्यंत दुर्दैवी आहे आणि त्या विरोधात त्यांनी जे वक्तव्य केलं त्यांच्या विरोधात साहेबांनी कोर्टाची नोटीससुद्धा या ठिकाणी पाठवलेली आहे। त्या नोटीसमध्ये सांगितलं आहे का 7 दिवसाच्या आपण उत्तर द्या, माफी मागा, अन्यथा आम्ही कायदेशीर कारवाई करू। शहर के बंद पड़े टाउन हॉल को दोबारा शुरू कर मनपा की आय में वृद्धि करने की मांग आज अंबानगरी फोटो वीडियोग्राफर बचत समूह की ओर से मनपा आयुक्तों को की गई। अमरावती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के रूप में आज श्रीमती उर्मिला कांतिलाल पवार ने अमरावती आकर अपना पदभार संभाल लिया। अमरावती जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की ओर से आज महाविकास आघाड़ी के नवनिर्वाचित सांसद बलवंत वानखड़े का सत्कार समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं विधायक यशोमती ठाकुर ने सांसद बलवंत वानखड़े पर विश्वास जताते हुए कहा कि अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आखिरकार जनता की जीत हुई। इस निर्वाचन क्षेत्र में जनता ने प्रतिकूल स्थिति में भी जीत दिलाई। अब तक हमने किए कार्यों का भूमि पूजन पूर्व सांसद कर रही थी लेकिन अब नवनिर्वाचित हमारे सांसद जनता के विकास और अपेक्षाओं के लिए निश्चित काम करेंगे। सफलतम व्यवसायी के साथ सामाजिक कार्यों में अग्रणी आराधना प्रतिष्ठान द्वारा 20 जून को जवाहर रोड स्थित शोरूम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक आयोजित इस शिविर में सामाजिक दायित्व की भावना से अधिकाधिक संख्या में युवाओं से सहभागी होकर इसे सफल बनाने का अनुरोध आराधना परिवार ने किया। इसके मुताबिक गर्मी के दिनों में रक्त की कमी के कारण कई गरीब मरीजों के लिए समस्या पैदा होती है, कई बार बात जान पर भी बन जाती है। 20 जून को आराधना जवाहर रोड की ओर से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। 20 जून गुरुवार सुबह 11 बजे से शाम दोपहर को 4 बजे तक। तो सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि रक्तदान में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें व रक्तदान करके किसी का जीव बचाएं। लोकसभा चुनाव की जीत पर एडवोकेट यशोमती ठाकुर, नवनिर्वाचित सांसद बलवंत वानखड़े, कांग्रेस समिति के जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख का नागरिक सत्कार का आयोजन 21 जून को सुबह 10 बजे किया गया है। शहर के सीताराम दास बाबा मंदिर में पिछले 100 वर्षों से ज्येष्ठ माह में रामपाठ का आयोजन किया जाता है। इस साल भी 26 मई से 108 रामायण पारायण का शुभारंभ हुआ है तथा शनिवार 22 जून को दोपहर 12 बजे इसकी पूर्णाहुति होती है। रामायण में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ब्राह्मण पाठ का हिस्सा होते है। रामायण के मुख्य यजमान महंत मोहनदास बाबा है तथा मुख्य आचार्य पंडित अनिल शर्मा व शुभम शर्मा है।
कठोरा नाका परिसर के पाठ्य पुस्तक मंडल के पास कचरे के ढेर में किसी ने 10 से 12 बोरे गोमांस लाकर फेंक दिया। यह घटना दोपहर 12 बजे के दौरान प्रकाश में आने के बाद घटनास्थल पर नागरिकों की भीड़ जमा हो गई। संतप्त हुए नागरिकों ने तत्काल पुलिस को सूचित किया। पुलिस के दल ने घटनास्थल पहुंचकर मनपा के वैद्यकीय अधिकारी के जरिए कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन नागरिकों ने इस मामले में संबंधित पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। मध्य प्रदेश से गोवंश लाते हुए महाराष्ट्र में उसे गो तस्करों को धारनी पुलिस ने दबोच लिया। झांझरी ढाना फाटा पर 16 जून को यह कार्यवाही हुई। गोवंश को कटाई के लिए कुर्ता से बांधकर मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में लाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 आरोपी फरार हो गए। आरोपियों से 5.45 लाख रुपए मूल्य के गोवंश जब्त किए गए है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के नाम अकोला जिले के तेलारा तहसील के विचारी ग्राम निवासी अनिफ खा रफीक खा और झरी ग्राम निवासी शेख सद्दाम शेख रऊफ है। बकरे के कुर्बानी की आड़ में एक गोवंश की कटाई कर और मवेशियों की कटाई करने की तैयारी में रहे 3 लोगों को वरुड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोमवार 17 जून को वरुड शहर के हबीब नगर में यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम वरुड निवासी असीमुद्दीन काजी, अजारुद्दीन काजी और फैजरुद्दीन फमीम ईमानदार है। अकोला शहर की एक विख्यात शिक्षा संस्था के छात्रावास में एक 14 वर्षीय छात्रा पर 3 लोगों ने सामूहिक अत्याचार किया रहने की घटना उजागर हुई है। इस प्रकरण में सिविल लाइन पुलिस ने अभियांत्रिकी के 2 विद्यार्थियों सहित एक सेल्समैन को गिरफ्तार किया है। इस घटना से शिक्षा क्षेत्र में खलबली मच गई है। सोमवार को सभी तरफ बकरीद बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई, लेकिन इस दौरान जिले के उमरगेट तहसील के चुरमुरा ग्राम में अचानक बिजली की कड़कड़ाहट के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। इस समय पेड़ पर गाज गिरी, उसी पेड़ के नीचे बकरिया का जत्था खड़ा था। इस जत्थे पर गाज गिरने से 21 बकरियों की मृत्यु हो गई। मुर्शिदाबाद के जूनी बस्ती भगत सिंह चौक की वाइन शॉप के संचालक से मारपीट कर कैश लूटने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। उनसे बाइक और कैश जब्त की गई। गत 8 मई को वाइन शॉप संचालक राजेश मूलचंद गुप्ता दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। उनके साथ दुकान का नौकर भी था। जिला परिषद शाला के पास 2 दोपहिया पर आए 4-5 युवकों ने उन्हें रोका और डंडे से पीटा तथा दुकान की दिन भर की कैश 1,45,000 रुपए वाली बैग छीनकर भाग गए। पुलिस ने गत 16 जून को आरोपी विशाल बाबूलाल राउत को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर आरोपी यश नंद किशोर ननीर मय सुधाकर गवई सौरभ शशिकांत बालापुरे और अमरदीप राजेंद्र मोहड़ को पकड़ा गया है। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने 20,000 रुपए की रिश्वत के मामले में दी गई 1 वर्ष की सजा कायम रखी है। न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी फाल्के ने यह निर्णय दिया है। भंडारा निवासी वन अधिकारी सैयद शकील सलाम है। घटना के समय वह नाका डोंगरी में राउंड ऑफिसर थे। 28 फरवरी 2019 को विशेष सत्र न्यायालय ने उन्हें कम से कम 1 वर्ष सश्रम कारावास और 10,000 रुपए दंड की सजा सुनाई थी, जिसके विरुद्ध उन्होंने उच्च न्यायालय में अर्जी लगाई। रिकॉर्ड ठोस सबूत को ध्यान में रखकर अदालत ने उनकी अपील ठुकरा दी है।